कोई भी काम इतना मेहनत से करो ना कि किस्मत आपको अचानक आकर बोले ले ले बेटा ये तो तेरा हक है, ठीक है। कोई भी काम अगर लाइफ में कर रहे हैं इतना मेहनत लगा दो उसके पीछे ना कि किस्मत खुद आकर बोले कि ले ले बेटा ये तो तेरा ही हक था, इसके ऊपर बस मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू बीच रास्ते में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को आप सभी दबा देना ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन तक मिलता रहे। और अगर किसी भी क्लास का पीडीएफ या फिर आपको उस क्लास का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके फोन पर चाहिए तो टेलीग्राम से आप सभी पक्का जुड़े रहिएगा क्योंकि वहां पर हर एक चीज का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाता है तो वो जो आपके फोन तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर अगर फोन में टेलीग्राम है ना तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, वहां पर आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। और आज कवर करेंगे 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर रेलवे एसएससी या बैंक किसी भी एग्जाम का और वहां से 349 वाला पैकेज अगर बाय करेंगे तो एक साल तक आने वाले हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे चलता है और 2 क्लास हो चुका है मैथ का बेसिक क्लास, दोनों क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, माइकल रॉबिन्सन जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, वह किस क्लब के लिए खेला करते थे यह आपको बताना है। माइकल रॉबिन्सन जिनका 61 वर्ष की वायु में निधन हो गया है ना आयु में, वह जो है वह लिवरपूल क्लब के लिए खेलते थे, ये क्लब के लिए खेलते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये किस देश के लिए खेलते थे, ये तो बात हो गई क्लब की। जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, बार्सिलोना, चेल्सी, ये सब बहुत वर्ल्ड पॉपुलर क्लब है तो ये लिवरपूल क्लब के लिए खेलते थे, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। लेकिन आप ये भी याद रखना जैसे इंडिया में क्या है आईपीएल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लीग है, लेकिन किस देश के लिए खेलते थे, तो जो माइकल रॉबिन्सन है ना ये आयरलैंड के लिए जो है वो फुटबॉल खेलते थे। किस कंट्री के लिए? आयरलैंड के लिए। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? तो डबलिन। वहां का करेंसी क्या है? मुद्रा। तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है आपका यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लियो ब्राडकर, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने देखो क्वेश्चन को अच्छे समझना, कहां की राज्य सरकार ने यह बोला है ना कि जितने भी उस राज्य में छात्र हैं मान लो उनका पूरा पैसा माफ किया जाएगा या फिर वो पहले फीस दे दिए तो उनका पैसा लौटाया जाएगा और आने वाले सेशन में उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। जितने भी छात्र जो पढ़ते हैं, टोटल 14 लाख छात्र हैं वहां पर जिनके लिए यह सुविधा जारी की गई है। और ये कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका डी। टोटल 14 लाख छात्र को यह सुविधा दी जाएगी आंध्र प्रदेश में। और इसके ऊपर जो बजट, जो खर्चा होगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का वो कितना होने वाला है भैया, कितना का भार आएगा? अगर 14 लाख छात्रों को ऐसा अगर सुविधा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार दे तो 4000 करोड़ जो बजट फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया है आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है? तो आप बोलेंगे अमरावती। अगर मैं बात करूं वहां के राज्यपाल कौन है तो आप बोलेंगे बिश्वभूषण हरिश्चंदन वहां के राज्यपाल है। अगर मैं बात करूं वहां के मुख्यमंत्री तो आप बोलेंगे वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्था द्वारा एक टीम के नेतृत्व में स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके, नाम याद रखना रूहादार, रूहादार नाम का एक कम लागत वाला
मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया गया है किस संस्था के द्वारा। और एक बात और बता दूं, इस वेंटिलेटर को विकसित करने में जो खर्चा आया है ना वो बहुत कम आया है, 10,000 रुपये। आप बोलेंगे भैया 10,000 कम लगता है एक वेंटिलेटर के लिए, बहुत कम लगता है, लाखों लाख रुपया खर्चा होता है एक बनाने में वेंटिलेटर, याद रखना। ये 10,000 रुपए में विकसित किया गया है और इसको नाम दिया गया है आपका रूहुदार। और ये किसने विकसित किया है, किस संस्थान ने, तो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पैंडेमिक महामारी से लड़ने के लिए कितना बिलियन का लोन दिया है भारत को। किसने लोन दिया है, एशियाई विकास बैंक ने, तो $1.5 बिलियन का, ऑप्शन नंबर सी, $1.5 बिलियन का लोन दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत को, ताकि भारत कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उससे लड़ सके। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न इसी क्वेश्चन से निकल कर आ रहा है। मैंने आप सभी को 500 बार कम से कम जिक्र किया होगा इसके बारे में, एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है और इसका गठन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। यह तीन चीज आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, किस कंपनी ने देश में 4G नेटवर्क अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नोकिया, भूल तो नहीं गए ना नोकिया कंपनी को, नोकिया के साथ $1 बिलियन का करार किया है। तो 4G नेटवर्क अनुभव को यानी 4G नेटवर्क सिग्नल को बेहतर बनाने के लिए नोकिया के साथ भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल कंपनी ने $1 बिलियन का करार किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है अलग अलग संस्था जो है अभी अलग अलग अपना सुझाव दे रही है ताकि लोग जो है वो कोरोना वायरस से कोविड-19 से बहुत अच्छे से लड़ाई कर पाए। यहां पर एक संस्था और निकल कर आया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग यानी आयुष जो मंत्रालय है ना उसके द्वारा तैयार किया गया विशेष चूर्ण जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया आपका त्रिकुटू चूर्ण, ये नाम याद रखिएगा। आयुष विभाग के द्वारा तैयार किया गया त्रिकुट चूर्ण वितरित करके राज्य में जितने भी नागरिक है, जितने भी लोग हैं मध्य प्रदेश को, उनको जो है वो दी जाएगी ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतरीन हो सके, ठीक है। और ये किस योजना के अंदर भैया ये सब चूर्ण का वितरित जो है वो किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका जीवन अमृत योजना के तहत, ऑप्शन नंबर आपका सी। दो तीन चीज याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार करने जा रही है किस योजना के तहत, जीवन अमृत योजना, और ये कौन देगा ये चूर्ण, तो आयुष मंत्रालय देगा। और उस चूर्ण का नाम क्या दिया गया है, तो त्रिकुटू चूर्ण, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन और कैपिटल आपका भोपाल। मैं डेली देखता हूं कि कम से कम ना अगर मान लो 1000 वीडियो में लाइक है 10-12 या 11 या 9 लाइक डिसलाइक कोई लोग कर देते हैं, समझ में नहीं आता दूसरे चैनल वाले हैं कि क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि भैया और कुछ सुधारिए, ठीक है ना, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में मूडी द्वारा, देखो मैं आपको ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले एग्जाम में, एशियाई विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, आरबीआई, इंडिया रेटिंग, क्रिसिल्स, ये सब के द्वारा जितना भी अनुमान लगाया जा रहा है इंडिया के विकास दर को लेकर, जनवरी के पहले जितना भी अनुमान लगाया गया था इनके द्वारा वो सारा का सारा फेल हो गया, क्योंकि महामारी पैंडेमिक यानी कोविड-19 के आने के बाद हर इंडिया क्या, भारत क्या, हर एक कंट्री का अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रहा है। तो अब कोविड-19 के फैलने के बाद, उसका प्रकोप बहुत बुरी तरह से फैलने के बाद, हर एक जो संस्था है
जो रेटिंग देती है, जो विकास दर का अनुमान लगाती है, वो अपना नया अनुमान लगा रही है। जो पुराना अनुमान लगाया गया था, अब वो विकास दर को वो नकार रही है, अब वो नया डाटा रिलीज कर रही है। तो मैं आपको हर एक संस्था का जितना जितना नया डाटा आया है सब बता रहा हूं। तो मूडी के द्वारा जो नया अनुमान लगाया गया है 2020 के लिए, जो कि पहले 2.5% था, अभी कितना अनुमान लगाया गया है, तो अभी जो अनुमान लगाया गया ना भैया, वो 2.5% पहले था। अभी जो नया अनुमान लगाया गया है नया डाटा के अनुसार, वो लगाया गया है 0.2%, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उमा बाला सुब्रमण्यम इनके द्वारा एक किताब, एक पुस्तक लॉन्च की गई है। भारत की अनसंग हीरो पर न्यूनतम पुस्तक जारी की गई है, जिसका नाम क्या दिया गया है, सियाजी राव गायकवाड़ 3, द महाराजा ऑफ बड़ौदा। यह किताब लॉन्च किया गया है उमा बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, यह किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, यह आपको क्वेश्चन बताना है। तो यह रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा यह किताब, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने मई के अंत तक 2020 तक 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए AGVA हेल्थ केयर के साथ हाथ मिलाया है। यानी मई के अंत तक ना केंद्र सरकार को 10,000 वेंटिलेटर जो है वो विकसित करेगी AVG हेल्थ केयर किसके साथ मिलकर, तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मारुति कंपनी, मारुति सुजुकी के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, उनका नाम बताना है। Who has been named as the interim MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका नीरज ब्यास, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मई का। इसका पूरा PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और कल रात को ना 11 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रामायण को लेकर, कि रामायण से आजकल के छात्र क्या सीख सकते हैं। अगर उस चीज को बहुत गहराई तक समझ गए और लागू कर लिए ना, तो आपको लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी वीडियो के आपको कल ही रात को मैंने वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पर, देख लीजिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।